नवरत्न अकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, टीईटी, सीटीटी, एनडीए, बीडीयू, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, समस्त वनडे एग्ज़ाम हेतु कुछ करेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाज़ार में पूंजीकरण के आधार पर कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेज़न, डी गूगल। आंसर है ए, बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर एप्पल कंपनी शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर टू, 20 से 28 अक्टूबर 2018 तक 15वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 2, बी 5, सी 8, डी 10। आंसर है ए 2 पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 3, पैरा खिलाड़ी संजीव कुमार ने डेनमार्क ओपन 2018 में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंध रखते हैं? ए विलियर्ड्स, बी शॉट पुट, डी बैडमिंटन, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। तो आंसर है सी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 4, नन्ही कली प्रोजेक्ट के टीन एज गर्ल्स सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ए सिक्किम, बी केरल, सी हरियाणा, डी आसाम। आंसर है बी केरल। क्वेश्चन नंबर 5, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए कितने के मसाला ब्रांड जारी करेगा? ए 500 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 5000 करोड़, डी 10000 करोड़। आंसर है सी 5000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान 2022 में अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए किस देश की मदद लेगा? ए चीन, बी सऊदी अरब, सी जापान, डी रूस। आंसर है ए चीन की मदद लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिमोना हेलेप क्रिस एवर्ट विमेन टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड कप नंबर 1 ट्रॉफी की पहली प्राप्तकर्ता बनी हैं, वह किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? ए सर्बिया, बी क्रोएशिया, सी रोमानिया, डी हंगरी। आंसर है सी रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 8, नन्ही कली प्रोजेक्ट के टीन एज गर्ल्स सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी कोलकाता। आंसर है सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे बिलासपुर और लेह के बीच दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनाने जा रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी? ए 365 किलोमीटर, बी 465 किलोमीटर, सी 565 किलोमीटर, डी 665 किलोमीटर। आंसर है बी 465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर पूर्व के किस राज्य में दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए एक स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने पहली क्रिस एवर्ट WTA वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी जीती है? ए नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, सी सिमोना हेलेप, डी एंजेलिक केरवर। आंसर है सी सिमोना हेलेप। क्वेश्चन नंबर 12, 27 अक्टूबर 2018 को किसे प्रवर्तन निदेशालय में प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ए दीपक कुमार होटा, बी प्रवीण श्रीवास्तव, सी संदीप बख्शी, डी संजय कुमार मिश्रा। आंसर है डी संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गठित गवर्नरों की समिति ने किसानों की आमदनी दोगुना करने पर सुझाव दिए हैं, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए राम नायक, बी कप्तान सिंह सोलंकी, सी सत्यपाल मलिक, डी आनंदीबेन पटेल। आंसर है ए राम नायक। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के नहर लागून में 2 दिवसीय चिल्ड्रन फिल्म बुनंजा का आयोजन किया गया था? ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, 28 अक्टूबर 2018 को किस भारतीय गोल्फर ने पैनासोनिक ओपन इंडिया 2018 खिताब जीता है? ए शिव कपूर, बी खलीन जोशी, सी मुकेश कुमार, डी अनिर्वाण लाहिरी। आंसर है बी खलीन जोशी। क्वेश्चन नंबर 16, 27 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा,
बायो कहाँ बायो फैच इंडिया का उद्घाटन किया? ए बंगलुरु, बी सूरत, सी वाराणसी, डी नई दिल्ली। आंसर है डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, 26 अक्टूबर 2018 को किस राज्य ने नीली क्रांति, एकीकृत विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन नामक योजना शुरू की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी मेघालय। आंसर है डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 29 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 27 अक्टूबर, डी 26 अक्टूबर। आंसर है बी 28 अक्टूबर। 27 अक्टूबर 2018 को मदन लाल खुराना का निधन हो गया, वह कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2018 को पंकज बंदोपाध्याय का निधन हो गया, वह किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी बीजू जनता दल, सी तृणमूल कांग्रेस। तो आंसर है डी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे करंट के कुछ 20 क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करें। थैंक यू।